नमस्ते बच्चों, वेलकम टू अभिजीत क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास में एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एफ आर टू आर, और वो फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। इस तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइंड है और बोला गया है कि चेक करिए कि ये फंक्शन 1-1 है, ऑन टू है और बाइजेक्टिव है। चलिए तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 1-1 के लिए। तो चेक फॉर 1-1। अब बच्चों देखिए, 1-1 के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि अगर किसी भी फंक्शन को हम एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 पुट करेंगे और अगर हमको एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2 मिल जाएगा तो इस फंक्शन को हम 1-1 फंक्शन बोल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो हम यहाँ पे x की जगह एक्स 1 पुट कर देते हैं तो हमको एफ एक्स 1 कितना मिलेगा, तो वो बन जाएगा आपका 3 माइनस 4x1। और उसी तरीके से इस फंक्शन एफ एक्स में हम x की जगह एक्स टू पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा 3 माइनस 4x2। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों एफ एक्स 1 और एफ एक्स 2 की वैल्यू इस जगह पुट कर देनी है। तो देखिए एफ एक्स 1 की जगह हम पुट कर देंगे तो 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 की जगह हम पुट कर देंगे 3 माइनस 4x2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से तो 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -4x1 इज इक्वल टू -4x2। ये -4 -4 भी कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हमको मिल रहा है x1 इज इक्वल टू x2। तो देखिए बच्चों, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 पुट करने पे हमको x1 इज इक्वल टू x2 मिल रहा है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा 1-1 है। तो देयर फोर एफ इज 1-1। चलिए बच्चों अब हम इसको चेक करेंगे ऑन टू के लिए। तो देखिए ऑन टू के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हम लिखते हैं लेट, क्या मानेंगे हम कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो काय के बराबर है, वाई के बराबर। अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा। और वाई काय से बिलोंग कर रहा है, आर से। आर क्या है यहाँ पे, कोडोमेन है ना, वाई काय से बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन से। और कोडोमेन काय का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो पहले इसके फर्स्ट पार्ट जरूर देख ले ताकि आपको ये सब चीज़ें उससे क्लियर हो जाए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई आपका बिलोंग कर रहा है आर से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स की जगह क्या पुट कर देना है हमको, जो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है। तो कितना दिया है, 3 माइनस 4x, तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे 3 माइनस 4x, तो ये मिला इक्वल टू वाई। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, तो आपका होगा -4x, 3 उधर जाएगा तो y-3। x इज इक्वल टू हमको मिलेगा y-3 डिवाइडेड बाय -4। ऊपर से भी हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो हमको x मिल जाएगा 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए बच्चों, हमने क्या किया था, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट किया। वाई क्या है हमारे पास में, एक एलिमेंट है डोमेन का जो काय से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। अब हमने चेक किया कि क्या इस वाई के लिए डोमेन में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो देखिए वाई जब हमने पुट किया तो हमको एक्स इज इक्वल टू मिला 3 माइनस वाई बाय 4। अब आप यहाँ पे वाई की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख के देख लीजिए जो आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो आप इस इक्वेशन में वाई कुछ भी पुट करिए आपको एक्स हमेशा क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन का जो एलिमेंट है वो क्या मिल रहा है हमको, रियल नंबर। और डोमेन क्या गिवन है, एक रियल नंबर दिया है। तो देखिए बच्चों, इस हमने अब ये फाइंड आउट कर लिया कि इस वाई के लिए
डोमेन में एक एक्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके बाद हमको इसका रिवर्स भी चेक करना है कि क्या इस एलिमेंट के लिए, जो डोमेन का एलिमेंट है, क्या इसकी इमेज वाई बन रही है। अब हमको ये भी चेक करना है, तो अब वो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए हमारे पास फंक्शन क्या गिवन था, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। आपको क्या कर देना है, जहां x है वहां पे क्या पुट कर देंगे हम, x की ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, तो ये हो जाएगा आपका f 3 माइनस y बाय 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4, और x की जगह आप पुट कर देंगे 3 माइनस y डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, ये मिलेगा आपको 3, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस 3 प्लस वाई हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, तो हमको मिलेगा वाई। अब देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है हमको, तो इस चीज़ से ये समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास में एक्स की वैल्यू हमने ये रखी 3 माइनस वाई बाई 4, मतलब कि जो हमारा डोमेन का एक्स एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 3 माइनस वाई बाई 4 है, उसकी इमेज क्या बनेगी, तो उसकी इमेज y बन रही है। तो देखिए अगर ये y के लिए कोई डोमेन में x एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो फिर हमने ये भी चेक करके बता दिया कि इस x की इमेज भी y बन रही है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, therefore this function is onto function। तो f क्या मिल गया हमको, onto मिल गया। अब थर्ड चीज़ जो हमको इस क्वेश्चन में चेक करने के लिए बोली गई है वो है बाइजेक्टिव। अब देखिए बच्चों, बाइजेक्टिव के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई भी फंक्शन 1-1 और ऑन टू होता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। तो देखिए ये फंक्शन हमने 1-1 पहले शो कर दिया था और ये अभी हमने इसको ऑन टू शो कर दिया है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, बाइजेक्टिव। तो इसलिए हम लिख देंगे कि ये फंक्शन क्या है आपका, बाइजेक्टिव भी है, तो f is bijective। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास फंक्शन fx का गिवन है 1 प्लस x स्क्वायर। अब सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं 1-1 के लिए। तो देखिए अब हमारे पास में क्या है, यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और डोमेन में भी रियल नंबर है और डोमेन में भी रियल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम, आप देखिए अगर x की जगह हम 1 लेते हैं, कितना लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो f1 कितना मिलेगा आपको, 1 प्लस 1 स्क्वायर, मतलब कि 2। और अगर हम x की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं इसी फंक्शन में, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी कितनी मिलेगी आपको, 2। अब देखिए यहाँ से हमको f1 और f माइनस 1 दोनों काय के बराबर मिल रहा है, 2 के बराबर मिल रहा है, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ 1 इज इक्वल टू f माइनस 1, और ये दोनों काय के इक्वल है आपके, दोनों 2 के इक्वल है। तो देखिए अब अभी हमारी कंडीशन बन गई ना, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एफ एक्स वन, और ये हो गया आपका एफ एक्स टू, इसकी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू पूरी 2 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 2 आ रही है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या एक्स वन और एक्स टू इक्वल है, देखिए यहाँ एक्स वन कितना है, ये 1 है, और एक्स टू कितना है, एक्स टू यही होगा ना, माइनस 1। तो देखिए क्या 1 और माइनस 1 इक्वल होते हैं, तो नहीं होते, 1 और माइनस 1 तो इक्वल, तो इसका मतलब कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू रखने पे हमको एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू नहीं मिल रहा है, तो इसलिए फंक्शन को हम 1-1 नहीं कह सकते, तो देयरफॉर एफ इज नॉट 1-1। तो बच्चों अब हम चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या कर देना है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे। वाई क्या है हमारे पास में, तो वाई एक एलिमेंट है जो हमारा कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है, और कोडोमेन हमारे पास में
सेट ऑफ रियल नंबर्स गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन है fx, इसकी जगह फंक्शन पुट कर देंगे। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस fx की जगह हम पुट कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, तो y ये प्लस वन उधर जाएगा तो मिलेगा हमको माइनस वन, या हम बोलें x इज इक्वल टू हमको मिलेगा ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा y माइनस वन। अब इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस वन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम y कोई रियल नंबर लेते हैं, देखिए y क्या है हमारे पास में, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इस तरीके से है ना, ये हमारे पास में कोडोमेन है और ये हमारे पास में डोमेन है, इसमें भी रियल नंबर्स हैं और इसमें भी रियल नंबर्स हैं। अब ये y हमने कहाँ से लिया था, यहीं से लिया था ना, fx इज इक्वल टू y, इसी में से कोई सा एक नंबर हमने उठाया। तो आप देखिए यहाँ y, सपोज हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि अगर हम y इज इक्वल टू माइनस वन ले लें, कितना ले लें माइनस वन, तो देखिए हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आया, अभी हम प्लस कंसिडर करते हैं, तो प्लस y माइनस वन, या हम उसको बोलें, अब हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू अगर यहाँ पे इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट माइनस टू। अब देखिए y तो एक हमने रियल नंबर लिया है, ठीक है, ये तो क्या है आपके पास में रियल नंबर, माइनस वन एक रियल नंबर है। अब जब हम ये माइनस वन रखते हैं तो देखिए x कितना मिल रहा है, अंडर रूट माइनस टू, तो माइनस टू आपका क्या है, एक रियल नंबर है क्या, तो ये तो हमारे पास में रियल नंबर नहीं होगा। ये जो हमने y इज इक्वल टू माइनस वन पुट किया है, इस इमेज के लिए यहाँ पे डोमेन में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, या हम ये बोलें कि ये जो y एलिमेंट है इस सेट को डोमेन का, इसके लिए x में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं कर रहा है। तो हम उसको किस तरीके से लिख देंगे, तो हम लिख देंगे फॉर y बिलोंग्स टू R, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इन डोमेन R, इसको आप स्मॉल x लिखिए। तो इस y के लिए इस हमारे डोमेन में कोई x एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अब हम बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, f हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, हमने क्या शो कर दिया कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी नहीं है, और इसके पहले हम बता चुके हैं कि ये फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन भी नहीं था, तो इसलिए फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे देयरफॉर f इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि हमसे तीनों चीज पूछी थी ना, वन वन, ऑन टू और बाइजेक्टिव, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नाइदर वन वन नोर ऑन टू, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। तो बच्चों अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो सेट गिवन है ए एंड बी, और किस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है, तो एफ सच दैट ए क्रॉस बी गिव्स बी क्रॉस ए, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास में डोमेन क्या है, डोमेन है ए क्रॉस बी, और कोडोमेन क्या दिया हुआ है हमारे पास में, बी क्रॉस ए, और फंक्शन डिफाइंड है एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब बच्चों देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए अब इसको सोल्व कैसे करना है, तो पहले तो हम इसको लिखना कैसे वो बाद में समझेंगे, पहले आसान भाषा में ये समझ लेते हैं कि ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको हम एक ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमारे पास सपोज एक सेट है ए, ए के अंदर एलिमेंट है हमारे पास में वन और टू, और एक सेट हमने बी ले लिया
बी में हमारे पास एलिमेंट हैं 3 और 4। तो देखिए बच्चों, हम पहले ये मैट्रिक्स बना लेते हैं, या हम बोले पहले हम जो है ए क्रॉस बी हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, तो ए क्रॉस बी हम लिख देते हैं इस ए और बी के लिए, तो ए क्रॉस बी क्या मिल जाएगा हमको, 1 3, यही मिलेगा 1 और 4, फिर 2 3 और 2 4। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए क्रॉस बी इसका ऑर्डर पेयर बना लिया। तो दूसरा हमारे पास कोडोमेन कितना दिया हुआ है, बी क्रॉस ए, तो यहाँ पे हम बी क्रॉस ए बना लेते हैं। तो बी क्रॉस ए क्या होगा आपका, तो देखिए बी के एलिमेंट क्या है, 3 और 4, ए के 1 2, तो क्या बनेगा ऑर्डर पेयर, 3 1 3 2, फिर 4 1 और 4 2। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास में डोमेन, क्या है डोमेन यहाँ पे, ए क्रॉस बी, और इधर है हमारे पास में कोडोमेन। कोडोमेन कितना दिया हुआ है, बी क्रॉस है, मतलब ये ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके एलिमेंट लिख देते हैं ए क्रॉस बी में क्या क्या है हमारे पास में, 1 3 1 4, जल्दी जल्दी लिख देते हैं हम, 2 3 और 2 4, फिर इधर बी क्रॉस ए में क्या है हमारे पास में, 3 1 3 2 4 1 4 2। तो देखिए बच्चों, हमको यहाँ चेक करना है कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या कंडीशन होती है, कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा 1 1 होता है और ऑन 2 होता है, तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। तो चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, फिर चेक करेंगे क्या ये ऑन 2 है, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ए बी, और हमको इसका मिल क्या रहा है, बी ए, मतलब उसका रिवर्स मिल रहा है। मतलब अगर हम एक्स रखेंगे 1 3, तो हमको क्या मिलेगा, एफ एक्स कितना मिलना चाहिए, 3 1, इसका उल्टा। तो देखिए 1 3 की इमेज क्या बनेगी, 3 1 बनेगी, तो 3 1 भी यहाँ प्रेजेंट है। फिर देखिए 1 4 की इमेज क्या बनना चाहिए, 4 1, तो ये इसकी इमेज बन जाएगी 4 1। फिर 2 3, तो 2 3 की इमेज क्या बनेगी आपकी, इसका उल्टा 3 2, ये हमारा 3 2 बन रहा है। 2 4 की इमेज क्या बन रही है, 4 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देख के आपको समझ में आ रहा है कि जितने एलिमेंट हमारे ए क्रॉस बी में प्रेजेंट हैं, उन सब की यूनिक इमेज हमारी बी क्रॉस ए में बन रही है, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या है, सबकी यूनिक इमेज यहाँ पे मिल रही है। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, 1 1 हो गया। अब चेक करते हैं ऑन 2 के लिए। ऑन 2 के लिए क्या कंडीशन थी, कि जितने एलिमेंट हमारे कोडोमेन में प्रेजेंट होते हैं, वो सब इस ए क्रॉस बी की, मतलब जो डोमेन है उसकी इमेज होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं बचना चाहिए। तो देखिए, क्या इधर कोई भी एलिमेंट खाली दिखाई दे रहा है आपको, तो देखिए सारे एलिमेंट्स इनकी इमेज हैं, ठीक है। एक्स में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसकी इमेज यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ कोई भी एलिमेंट हमारा खाली नहीं है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू भी हो जाएगा। अब अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो अब हमको ये तो समझ में आ गया कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। अब ये देखते हैं कि इसको लिखना किस तरीके से है ना, ये तो हमने आसान भाषा में समझ लिया कि क्या है ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, अब हमको समझ में भी आ गया। अब जो एग्जामिनर चेक करने वाला है, उसको समझाने के लिए हम उसकी भाषा में आंसर देते हैं, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं 1 1 के लिए। अब देखिए 1 1 के लिए चेक कैसे करना है, तो हम क्या करते हैं कि लेट हम कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं इस ए क्रॉस बी से। तो क्या ले लेते हैं एलिमेंट, तो हमने एक ले लिया A1 B1, और दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने A2
बी टू, वो काई से बिलोंग कर रहे हैं ये दोनों एलिमेंट, हमारे बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी से, इससे तो हम यहाँ बना देते हैं हमारे एलिमेंट, ये हो गया ए वन बी वन और एक और एलिमेंट है हमारा ए टू बी टू, तो ये दो एलिमेंट हमने यहाँ पे इस ए क्रॉस बी से ले लिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमारा इसका फंक्शन अगर हम लिखते हैं, फंक्शन क्या है हमारे पास में, फंक्शन यही था ए बी, इसकी इमेज क्या बनेगी, बी है, मतलब हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ ए वन बी वन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए टू बी टू, ऐसा लिखेंगे ना, क्योंकि हम क्या लिखते थे पहले, इस तरीके से लिखते थे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये हम पुट करेंगे, ये पुट करना है और हमको चेक करना है कि क्या एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आता है, अगर ये आ जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक्स वन की जगह क्या रख देंगे, ये ए वन बी वन, ठीक है ना, और एक्स टू की जगह हम रख देंगे ए टू बी टू। तो देखिए हमने यहाँ ए वन बी वन और ए टू बी टू रखा। अब देखिए ये एफ ऑफ ए वन बी वन का क्या मिलेगा हमको, आप देखिए इस फंक्शन में अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं एफ ऑफ ए वन बी वन, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, बी ए उसका उल्टा मिलेगा, मतलब बी वन ए वन मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए वन बी वन की जगह हमको क्या मिल रहा है, इसका बी ए मिल रहा है, मतलब कि बी वन ए वन मिल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ एफ ऑफ ए टू बी टू, तो इसके लिए हमको क्या मिलेगा फंक्शन, बी ए, मतलब हम यहाँ लिख देंगे बी टू ए टू। तो देखिए बच्चों, अब बी वन ए वन बी टू ए टू है ना, हमने किया क्या है यहाँ पे, हमने क्या किया है, ये जो हमने ए वन बी वन रखा है ना, तो हमने यहाँ पे माना कि हमको फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे रखते हैं एक एक्स की वैल्यू रखते हैं ए वन बी वन, तो क्या मिलेगा आउटपुट आपको, यही मिलेगा बी वन ए वन, और यहाँ पे हम रखते हैं एफ ऑफ ए टू बी टू, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ एलिमेंट वाई की वैल्यू क्या होगी, बी टू ए टू। देखिए बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों फंक्शन को इक्वल रख रहे हैं, ये दोनों फंक्शन को हमने इक्वल रखा ना, अगर हम इन दोनों फंक्शन को इक्वल रख रहे हैं तो ये भी दोनों क्या आना चाहिए आपके, इक्वल आना चाहिए, बात समझ में आ रही। देखिए हमने क्या किया, ये दोनों फंक्शन को इक्वल रखा, इक्वल पुट किया, जैसे हम पुट करते थे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो हमने इन दोनों को इक्वल पुट किया है ना, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं आपके, इक्वल हैं। अब ये दोनों इक्वल हैं तो अगर हम इन दोनों को भी इक्वल शो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, वन वन फंक्शन हो जाएगा है ना। तो हमने इन दोनों को तो इक्वल पुट किया, ये हमने यहाँ इक्वल पुट कर दिया, तो देखा हमने यहाँ हमको मिल रहा है बी वन ए वन इज इक्वल टू बी टू ए टू। अब देखिए बच्चों, क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बी वन है वो बी टू के बराबर होगा और ए वन ए टू के बराबर होगा, देखिए किस तरीके से। अब देखिए यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि बी वन बी टू के बराबर है और ए वन ए टू के बराबर है, तो ये जो इमेज अगर इक्वल है तो इसका जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ये मिला कहाँ से, यहीं से मिला ना, तो बी वन और बी टू भी बराबर होंगे इसके लिए भी और ए वन और ए टू भी बराबर होंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये बी वन ए वन इज इक्वल टू बी टू ए टू है, तो ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू भी होंगे, ठीक है। अब देखिए ये इक्वल हो गए तो हम इस फॉर्म में ले आए ना कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू हमने पुट किया तो हमको मिल गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, यही था ना हमारे लिए, एक्स वन क्या था, यही एक्स वन था, ये पूरा एक्स वन था, ये पूरा एक्स टू था, तो हमने शो कर दिया कि ये हमारा एक्स वन इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स टू आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है आपका, वन वन। तो इस तरीके से हमको इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एफ इज वन वन।
देयरफॉर एफ इज 1 1। बच्चों अब हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए, ठीक है। अब ऑन टू के लिए हमने ऑलरेडी पहले चेक तो कर ही लिया है कि फंक्शन ऑन टू है, लेकिन अब इसको लिखना किस तरीके से है। तो देखिए हम सबसे पहले लेते हैं कि लेट बी ए, बी ए हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया जो काय से बिलोंग कर रहा है आपका, इस बी क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है। देखिए उसको किस तरीके से, जैसे ये हमारे पास में कोडोमेन है, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है हमारे पास बी ए, ठीक है। अब इसकी इमेज क्या बनना चाहिए यहाँ पे, ए। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया बी ए, ठीक है ना। अब देखिए ये बी ए किसकी इमेज बनना चाहिए, तो बी ए बनेगी इमेज हमारी ए बी की, ठीक है ना। तो ये हमको चेक करना है कि क्या इस, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या इस बी ए के लिए कोई एलिमेंट एक्स में, या हम बोलें ए क्रॉस बी में एग्जिस्ट करता है। तो पहले तो हम इसकी एग्जिस्टेंस ही चेक करेंगे, फिर देखेंगे क्या इसकी इमेज बी ए बनती है। चलिए तो हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे कि एक एलिमेंट बी ए है जो कहाँ प्रेजेंट है आपका, बी क्रॉस ए में है। तो देखिए बच्चों क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि इस बी ए के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल से देख ही लिया है कि ये जो बी ए होगा इसके लिए यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे कि देन देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, एक एलिमेंट ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जो काय से बिलोंग करेगा आपकी, ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है। और किस तरीके से, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए जो फंक्शन दिया हुआ है, सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी ए एलिमेंट है हमारा कोडोमेन का, इसके लिए एक एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है एफ ए, और जो एफ ए बी एलिमेंट है इसकी इमेज क्या बनना चाहिए, बी ए। तो इसकी इमेज क्या बनेगी, बी ए बनेगी, फंक्शन हमारे पास में दिया हुआ इस तरीके से एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये स्टेटमेंट हमको लिख देना है। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, तो आप लिख दीजिए देयरफॉर एफ इज ऑन टू। अब देखिए हमने शो कर दिया फंक्शन हमारा 1 1 भी है ऑन टू भी है। तो कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। तो इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव, एफ क्या हो गया हमारा, बाइजेक्टिव हो गया।